यार कमाल हो गया है। मैं कह रहा हूँ हनी भाई, आज पाकिस्तान के पेसर्स ने जिस तरह इंडियन की बैटिंग लाइन को तबाह किया ना, मज़ा आ गया यार। यार मज़ा तो बहुत आया, लेकिन यार अब मुझे ना सिर्फ दुख हो रहा है। किस बात का यार? अब जो इंडिया की धुलाई देनी थी वो कैसे हम देख करेंगे यार? अच्छा, इंडिया की धुलाई से बात याद आई कि आप यकीन करें कि मैं ट्विटर पे और फेसबुक पे मैं जब पढ़ रहा था तो इंडियन जो सपोर्टर थे वो प्रार्थनाएं कर रहे थे, वो पूजाएं कर रहे थे कि कहीं पे बारिश हो जाए, मैच बंद हो जाए, ये मैच नहीं होना चाहिए, इंडिया मैच हार रहा है। इतनी उन्होंने कसम से पूजाएं की हैं। एक टाइम पे आप देखे जब उनके 66 पे चार आउट हो गए थे तो अभी ये शुक्र मनाया कि हमारे स्पिनर्स की बॉल टर्न नहीं हुई हमारे स्पिनर्स की। तो इन्होंने जो अगले 10-15 ओवर खेले हैं उसमें स्कोर कर गया, जिसमें ईशान किशन और जो पांड्या पार्टनरशिप लीग आ गए 138 रन की पार्टनरशिप, थोड़ी सी इज्जत बच गई। नहीं तो मुझे ना आज कोई 150 से भी नीचे नजर आ रहा था कि इंडिया। और एक टाइम पे तो जब 66 पे चार आउट हुए थे तो यकीन करें मैंने कहा ये इंडिया शो भी नहीं करती। और पाकिस्तान ने एक एशिया कप का भी एक नया रिकॉर्ड बना दिया, वो पता है आपको? हाँ जी। कौन सा वाला? 10 विकेटें पेसर्स ने ही आउट कर दिए, स्पिनर को कोई विकेट नहीं मिली ना। जी बिल्कुल स्पिनर को हमारे विकेट नहीं मिली, ये भी उनका ना गुड लक है। लेकिन शाहीन अफरीदी ने माशाल्लाह आज क्या जबरदस्त बॉलिंग की है। थोड़ा सा लाइन ऑफ लेंथ से हट गए थे, बाद में उन्होंने जो रिकवरी की है, जैसे कि लास्ट ओवर डेडली ओवर में आके शाहीन अफरीदी ने क्या लाजवाब बॉलिंग की। क्या बात है देख लें। और हारिस रऊफ को आप देखे कितना लाजवाब उन्होंने स्ट्राइक किया। कोहली बेचारा उधर बैठ के ऐसे करके देख रहा था, शर्मा की बत्ती गुल्ली हुई थी जब चार आउट हो गए थे। मैं तो कहता हूँ इमरान भाई ये आज हो क्या गया है ये तो। जब वो आपने बयान देखा था जो शर्मा जी का आया था जी, के उससे साफी ने पूछा कि आपके पाकिस्तान का बॉलिंग टा कैसे देते हो, कहते जी ना हमारे पास शाहीन अफरीदी है, ना हारिस रऊफ है, ना नसीम शाह। वो कहते काश ये हमारी टीम में होते, काश हमारी टीम में ये पेसर्स होते। और उन्होंने कहा जी बुमराह को देखें जी, कहते बुमराह बहुत बड़ा बॉलर है, अगर बुमराह बहुत बड़ा बॉलर होता तो वो इसकी तारीफ ज़रूर करते। देखिए तारीफ वो तब करते ना जब वो रेगुलर खेल के आ रहे थे, उनके आधे से ज़्यादा टीम जो है वो तो इंजर्ड है क्या कर सकते हैं। अभी रिकवर भी नहीं हुए तो उनको उन्होंने मजबूरन खिलाना पड़ गया उनको टीम में, नहीं तो उनके तो मुझे कोई इतना खास फॉर्म में लग ही नहीं रहा था ना कोई बैट्समैन। लेकिन आज इंडियन टीम को बारिश बचा गई है, इंडियन टीम को उनकी पूजाएं बचा गई हैं, उनकी प्रार्थनाएं बचा गई हैं। मैं कहता हूं जी पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने भी आज हशर कर देना था। यार मुझे तो लग रहा था इमरान भाई आपकी बात काट रहा हूं कि आज वो जो लास्ट टाइम हुआ था ना 152 पे नॉट आउट 10 विकेट भी वही होना था, बस ये इनकी किस्मत अच्छी है, इनकी किस्मत अच्छी, नहीं तो इनके आज बहुत धुलाई होनी थी। आज यकीन करें इंडियन टीम की किस्मत इतनी अच्छी रही है ना कि आज जो उनका मुंह काला करना था पाकिस्तान की टीम ने, पाकिस्तान के एवरी प्लेयर्स ने, यकीन करें। अच्छा ये मैं आपको एक और बात बता दूं, ये पाकिस्तान अभी जब वर्ल्ड कप में आएगा ना तो तब इंडियन प्लेयर्स की शक्लें देख, मैं कहता हूँ इन्होंने इतने नर्वस ग्राउंड में उतरना है, इनके हाथ पांव फूल जाने हैं। ऑलरेडी उनके ऊपर प्रेशर नजर आ रहा था जिस तरह पाकिस्तान ने नेपाल के अगेंस्ट इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी। अच्छा इधर भी आ जाएं, पहले कहते हैं जी कि पाकिस्तान को नेपाल हरा देगा, अब देखो जी तुम हम क्या करोगे, तुम तुम्हारे से तो अच्छा नहीं नेपाल फेवरेट हो रहा है। अब मैं आपको बता दूं इंडिया तो नेपाल फेवरेट है। चलें जी, मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा था कि जो है शाहीन अफरीदी, किंग शाहीन अफरीदी, वो विराट कोहली को बोल्ड करेंगे। और आज उन्होंने साबित कर दिया कि वो किंग शाहीन अफरीदी और उन्होंने उनको बोल्ड कर दिया। ऐसे जैसे आप देख रहे थे जब शर्मा बैटिंग करने, आपने देखा जब तक वो जो उनके ओपनर आए थे गिल शर्मा के साथ, वो जब तक रीस रहे हैं उनके चेहरे पे जो था ना उतरे हुए चेहरे, यकीन करें डर डर के खेल रहे थे कि किसी तरह मैं नॉन स्ट्राइक पे मैं बच जाऊँ। वो तो उसकी किस्मत अच्छी, 3-4 मरतबा बॉल अच्छा आया लेकिन वो स्विंग होके निकल गई बॉल, विकेट्स को लगते लगते बचे। अच्छा एशिया कप का और मज़ा ज़्यादा हो रहा है। और अगले मैच की पहले से पेशन गोई कर दें नाजरीन, इंडिया और पाकिस्तान ने इससे ज़्यादा बुरे तरीके से मैच हराना है। आज तो इंडिया की किस्मत थी कि बारिश हो गई, लेकिन अगले मैच की तैयारी कर लें इंडियन, हमने बहुत बुरे तरीके से आपको हराना है, ये बात ध्यान में रखें। ठीक है 266 कर भी ना रोहित शर्मा के चेहरे पे सुकून नजर आ रहा था ना ही विराट कोहली, वो तो अभी अपना भी वो घबराहट थी उनको कि यार कहीं इनके ओपनर जी ना आज फखर जमान नहीं। बिल्कुल सलमान भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे, वो इमामुल हक और फखर जमान ने
आज 10 विकेट वाला रिकॉर्ड लगाना था। ये मैं बात आपको कह रहा हूँ, ये बारिश बचा गई आपको, बारिश भी बचा गई जी। नाज़रीन जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे हर न्यू आने वाले व्लॉग की अपडेट्स मिलती रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।